मैं सिर्फ अब इन कंक्लूजन त्रिपुरा के बॉर्डर के एरियाज के बारे में बात करूंगी कि स्मगलिंग और टेररिज्म बॉर्डर को लेकर काफी इट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। तो अगर आपकी सरकार फिर आती है तो क्या आप स्मगलिंग पर विल यू बी स्ट्रॉन्गर इन कर्बिंग स्मगलिंग एंड द ड्रग मेनेस? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, ये जीरो टॉलरेंस है हमारे सरकार की तरफ से, क्योंकि जेनरेशन टू जेनरेशन यहां पर खत्म हो गया। कम्युनिस्ट के टाइम में, उनके रेजिम में, हम ही लोगों को पता नहीं था त्रिपुरा में इतना गांजा यहां पर माने यहां पर होता था, क्योंकि हजार हजार केजी डेली 2018 के बाद, और इतना बढ़िया से पैकेजिंग सिस्टम और ये सब है, देख के हैरान हो गया त्रिपुरा वासी। पहले हम लोग नहीं मालूम था, तो इसीलिए हम लोग ये कहा है कि ये तो कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे यहां पर गांजा तैयार हो या वो बाहर भेजे, इसलिए जीरो टॉलरेंस। और बाहर से भी म्यांमार, उसके बाद असम होके, म्यांमार से आता है ये, और मिजोरम होके, और कॉरिडोर बनाया त्रिपुरा को, बांग्लादेश जाता है या वो टेबलेट और ये सब सब ड्रग्स। इसीलिए अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर, मतलब सीजर के मामले में ये ड्रग्स और ये सब जो नेशा सामग्री है, और डिस्ट्रक्शन में भी हम लोग सेकेंड हाइस्ट है। इसीलिए हम लोग, और कन्विक्शन रेट भी अच्छा है, काफी केस जो है पहले ऐसा कभी हो ना सुना ना देखा। तो इस मामले में एनईसी का मीटिंग के टाइम में है, वहां भी हमारा आदरणीय गृहमंत्री जी भी बताया जे ना यहां से बाहर जाएगा ना बाहर से यहां आना देना है, और जीरो टॉलरेंस। तो इस हिसाब से जरूर हम लोग इसमें करेंगे। तो और इसके साथ स्मगलिंग का जो आप बात आपने कहा, मोटा मोटी बहुत सारे जगह हम लोग का बॉर्डर, क्योंकि इतने राज्यों आसाम से और छोटा सा जगह छोड़ के बाकी पूरा वो ऑलमोस्ट बांग्लादेश बॉर्डर ही है यहाँ। तो फेंसिंग तो हो गया कुछ कुछ जगह में, कुछ स्ट्रेचेस में है जहां पर छोटा मोटा इशू को सामने रखते हुए अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये फेंसिंग हो जाएगा, ये होने के ये बाद बंद हो अभी जाएगा। हुआ था ये त्रिपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।